हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फिर से आपके चैनल सक्सेस मंत्रा बाई दीपक राय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे आपको लोग के लिए UPSI बिहार SI तथा लेखपाल तथा अन्य स्टेट लेवल का जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आप लोग के लिए ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। हाँ तो दोस्तों, आप लोग के लिए UPSI के लिए जिसका फर्स्ट सिलेबस था मैथ्स की फर्स्ट टॉपिक थी नंबर सिस्टम, आप लोग का ऑलरेडी वो कवर हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग इस नंबर सिस्टम को नहीं देखे होंगे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। हम लोग इस पे आज हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आज हम लोग कुछ देखते हैं कैसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कोई आइडेंटिटी दिया हुआ है जिससे इसमें क्या है 0.06 का क्या है 3 बार मल्टीप्लाई है, फिर 0.05 को 3 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है और यहाँ क्या है 0.06 का स्क्वायर है प्लस इसको मल्टीप्लाई किया है और प्लस इसका स्क्वायर कर दिया है। तो आप लोग इस आइडेंटिटी को पढ़ चुके हैं पहले ही, क्या होता है जैसे क्या होता है a³ - b³ होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a - b और इंटू a² + ab + b². देखिए अगर हम इसको इस फॉर्मूले को एक्सपेंड किए, देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं a - b * a² + ab + b² तो देख रहे हैं इससे ये मिलता जुलता है कुछ। देखिए यहाँ क्या है a³ 0.06 को क्या मान लिए a मान लिए और 0.05 को b मान लिए, तो इस तरह से ये फॉर्मूला क्या क्रिएट हो गया a³ - b³ हो गया। और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे ये दिया हुआ है कि 0.06 का स्क्वायर है प्लस ab यानी a * b कर दिया और b² कर दिया। तो देख रहे हैं कि इसको एक्सपेंड करने के बाद ये दो टर्म मिल रहे हैं, तो इसमें से एक टर्म नीचे इसको दिया हुआ है और एक टर्म नहीं दिया हुआ है, यानी ऊपर वाले को हम लोग क्या ले सकते हैं a - b * a² + ab + b² और नीचे क्या दिया ऑलरेडी दिया हुआ है a² + ab + b². तो इससे क्या हो गया, ये आपको क्या हो जाएगा नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या a - b। तो a की जगह पे आप क्या माने थे 0.06 और b की जगह पे 0.05, तो इसको क्या कर देंगे a - b कर लेंगे, यानी 0.06 को -0.05 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.01, समझ गए। तो इस तरह से आपका राइट आंसर, इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.01। तो देखिए ऑप्शन में पार्ट सी आपका दिया हुआ है 0.01, तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.01। आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो इसमें आप लोग को क्या देखना है, देखिए ये बड़ी कितना बड़ा कैलकुलेशन दिख रहा है, अगर इस तरह आपको ये फार्मूला मालूम नहीं होगा, ये आइडेंटिटी आपको मालूम नहीं होगा तो क्या हो गया, इसको 4-5 मिनट मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे और सॉल्व करते रह जाएंगे, एग्जाम में तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए आपको देखना क्या है कि किस आइडेंटिटी पर ये क्वेश्चन बेस है और उसके अनुसार आपको सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपका दिया हुआ है 3x + 8 दिया है = 27x - 2x + 1 है, इसका आपको क्या करना है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें देखिए 3 दिया है, यहाँ 27 दिया है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो यहाँ जो बेस होता है इसको हम लोग इक्वल करते हैं। तो देखिए अगर 27 को 3 के रूप में लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं 3 तो देखते हैं इसमें इसको 3 के रूप में लिखते हैं, तो ये ऑलरेडी 3 क्या दिया हुआ है x + 8 दिया हुआ है, अब इसको करेंगे तो 3 कर देंगे यानी 3 हो गया 27 और इंटू 2x + 1 हो जाएगा, समझ गए, यानी मल्टीप्लाई क्या हो जाता है जो पावर होता है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 6x + 3 हो जाएगा, समझ गए, यानी 3 6x + 3 हो गया। आप जानते हैं कि अगर दो इक्वेट वैल्यू हो रही है जिसका बेस सेम है तो उसको क्या कर देते हैं पावर को भी हम लोग क्या कर देते हैं इक्वल कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ 6x + 3 हो गया, इसको किसके इक्वल कर देंगे x + 8, क्यों करें समझे, क्योंकि इसका बेस क्या है 3 है, इसका भी बेस 3 है, तो इस तरह से जब इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, समझ गए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ 5x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, समझ गए, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, समझ गए। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा पार्ट डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए।
आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आपको बेस सेम करना है और पावर को इक्वेट कर देना है ऐसे क्वेश्चन में, समझ गए। ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्ज़ाम में आते जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप लोगों को ऐसे इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। जो भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो सब क्या है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। आप लोग इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए यहाँ 16^3/2 है, यहाँ 16^-3/2 है, तो 16 को क्या ले सकते हैं, 4^4^3/2 लिख सकते हैं। 16 को 4^2 कर दिए और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 64 हो जाएगा, पहला टर्म 64 आ गया। अब इसी तरह -3/2 है तो 64 तो आएगा लेकिन पावर क्या हो जाएगा, 64^-1 आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, इसे 4^4 क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, -3/2 है ना, यानी -3/2 है तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 4^-3 है। तो 4^3 करने के लिए क्या है ना, क्या करना पड़ेगा आपको, 1/4^3 करना पड़ेगा, समझ गए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये 64 हो गया, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, 1/64। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, यानी 64 आ गया और ये 1/64 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4096 आ जाएगा, +1 हो जाएगा और नीचे क्या है, 64, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4097/64। इसमें कुछ करना नहीं था, बस आपको ये माइनस जो पावर दिया ना उसको आपको जस्ट उसका 1/1 कर देना है और उसको ऐड कर देना है बस। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन को अवश्य प्रेस करें और वीडियो से ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर और करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको जस्ट क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे ऊपर वाला टर्म क्या है, देखिए आप इसकी आइडेंटिटी से मिलता जुलता है। देखिए यहाँ 1.5 को बी ए मान लेते हैं, 4.7 को बी मान लेते हैं और 3.8 को सी मान लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a³+b³+c³-3abc, समझ गए। हम आप जानते हैं कि इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका भी क्या होता है, एक फार्मूला होता है। इसको एक्सपेंड करने पे क्या लिख सकते हैं, a+b+c और क्या होता है, a²+b²+c²+ab+bc+ca। आई होप आप लोग जानते होंगे, इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है, देख रहे हैं। यानी ऊपर वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, इस ऐसे ही रूप में लिख सकते हैं और नीचे वाले टर्म देखिए क्या दिए हुआ, a²b²c², ये क्या है, -ab, यहाँ माइनस होता है, सॉरी -ab -b और -c होता है, यानी ए बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा और सी हो जाएगा, समझ गए। तो देखिए ऊपर वाले टर्म में क्या दिया हुआ है, ये वाला पार्ट, सेकेंड वाला पार्ट ये नीचे ऑलरेडी दिया हुआ है, समझ गए। तो देखिए ऊपर वाले पार्ट का ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, a+b+c। तो इस तरह से आपका ए क्या माने थे, 1.5 और बी को 4.7 और सी को 3.8, तीनों को क्या कर देंगे, बचेगा तो यही टर्म ना, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से a+b+c को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको ऐड करेंगे तो 415+3 8 हो जाएगा ये, और डेसिमल वाले को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 8+2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, कुछ आइडेंटिटी जो टर्म होते हैं आप लोगों को फार्मूला क्या करना पड़ता है, आपको याद करना पड़ेगा। इस तरह से आप लोग इजीली ये कितने मिनट का, ये 10 मुश्किल से क्या आप 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये फार्मूला मालूम है तो 30 सेकंड में समय कम लगेगा, अगर आपको फार्मूला मालूम है तो इसको सॉल्व करते रह जाइएगा, आप कभी सॉल्व एग्जाम में तो हो ही नहीं पाएगा। इस तरह से आप लोग को ये फार्मूला कुछ है आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट सी आपका राइट हो, यानी 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ क्या है, 3^10 × 27^2 है, किसके इक्वल है, 9^2 × 3^n, समझ गए।
देखिए इसमें करना क्या होता है कि पावर को क्या करना, अगर देख रहे हैं कि बेस अगर सेम हो रहा है तो आपको बेस को सेम करना पड़ेगा पहले। ये आपको मेन मोटो यही होना चाहिए कि बेस को सेम करें, उसके बाद पावर पे इक्वेट करते हैं। तो देखिए यहाँ 3 का पावर 10 है, यहाँ 27 है, तो 3 का मल्टीपल है 27, यानी 3 का पावर के रूप में लिख सकते हैं ना, यानी 3 का पावर 10 और 3 का क्या कर सकते हैं 27 को लिखने के लिए 3 का पावर क्यूब कर सकते हैं। और क्यूब जो जानते हैं कि 3 का पावर क्यूब करेंगे और जो पावर होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 3 का पावर 6 हो जाएगा। यहाँ 3 का पावर 10 है, यहाँ 3 का पावर 6 है, आप जानते हैं कि सेम बेस रहता है। अगर मानिए 3 का पावर, यहाँ 3 का पावर x है और 3 का पावर y है, तो क्या हो जाता है, बेस आपस में जो पावर होता है वो आपस में क्या होता है, प्लस हो जाता है। कब, जब बेस सेम होता है, समझ गए। ये कब होता है, मल्टीप्लाई केस में होता है। और जब डिवाइड होता है, यानी 3 का पावर x है और 3 का पावर y है, यहाँ भी बेस क्या है, सेम है, लेकिन क्या है, यहाँ आपको डिवाइड है। तो डिवाइड के केस में होता है कि आपको पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है, समझ गए। आप इसको याद कर लीजिए, यानी जब मल्टीप्लाई होता है और बेस सेम होता है तो वो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद। और जो अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है, यानी x माइनस वाई हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 3 का पावर 6 आया था यहाँ, तो यानी इसको क्या ले सकते हैं, 3 का पावर 16, समझ गए आप। आई होप आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं इसको, LHS हो गया, अब RHS को देखते हैं। यहाँ 3 या 9 है, लेकिन हमको क्या करना है, 3 के पावर में करना है, तो 9 को क्या ले सकते हैं, 3 के पावर 2, और उसका क्या स्क्वायर है, यानी ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर 4 हो जाएगा, और इंटू 3 का पावर n है, समझ गए। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो क्या है, बेस सेम है, यानी आधार सेम है, तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा, यानी 4 प्लस n हो जाएगा, समझ गए। यानी पावर क्या हो जाएगा, 3 का पावर 4 प्लस n इक्वल टू 3 का पावर 16। अब देखिए दोनों क्या है, इक्वल है। अगर इक्वेट करना होगा तो बेस सेम है तो क्या होता है, पावर को इक्वेट कर देते हैं, यानी इक्वल कर देते हैं, यानी 4 प्लस n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। ये आपको रूट के फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन अगर इस तरह लिख के दूसरे रूप में लिख सके, जैसे क्या हो जाता है, इसको रूट टू तो दिया हुआ है, इसको पावर 1/2 भी कर सकते हैं, √2 का पावर 1/2। जैसे जितने यहाँ क्या है, 3 का क्यूब रूट है ना, तो वो क्या होता है, पावर के रूप में 1/3 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 1 का पावर 1/4 हो जाएगा, 5 का पावर 1/4, यहाँ 2 का पावर 1/3। तो अगर इस तरह भी क्वेश्चन दिया होता है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, समझ गए, आपको सॉल्व करना है बस। तो देखिए क्या होता है कि जो क्यूब रूट में जो नंबर दिया रहता है उसको क्या करना पड़ता है, आपको उसका LCM निकालते हैं, यानी लसअप निकालते हैं। देखिए यहाँ 1 है, 3 4 3 3 4 3 का LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, समझ गए। और जो पावर होता है, जो LCM आया, उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 को क्या ले सकते हैं, 1/2, और इंटू क्या है, LCM क्या है, 12 आया, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 6, यानी इसको क्या ले सकते हैं, यहाँ 2 का पावर 6 यानी 64, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 64 आ गई। और फिर 3 का पावर 3 करेंगे, 1/3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 81 आ जाएगा, यानी 81 आ जाएगा, समझ गए। अब ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, 5 का पावर 1/4 × 12, यानी 5 का पावर क्यूब, 5 का पावर क्यूब कितना हो जाएगा, थर्ड वाले टर्म का 5 का पावर क्यूब हो जाएगा, यानी 125 आ जाएगा, समझ गए। अब ऐसे ही सॉल्व करते हैं, यहाँ 2 का पावर 4 हो जाएगा, यानी 1/3 × 12, यानी क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1/3 × 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4, यानी 2 का पावर 4 यानी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, समझ गए। यानी फर्स्ट इसका कितना हो जाएगा, 64 आ गया, इसका 81, इसका 125, इसका 16। तो देखिए इस चारों में से सबसे बड़ा कौन है संख्या, 125 है, तो 125 वाला टर्म कौन सा है, तीसरा है। तो इस तरह से यानी आपका राइट आंसर, यानी सबसे बड़ा पूछ रहा है ना, तो यानी 5 का पावर 1/4 क्या हो जाएगा, आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो इस तरह से आज का प्रैक्टिस सेशन यहीं पे स्टार्ट करता है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और चैनल पे बने रहिए, ऐसे ही आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन का भी हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप लोग अगर नए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब बटन को अवश्य, और क्या
तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।